आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं बाकर अली, आप देख रहे हैं सफ़ी टीवी का खसूसी प्रोग्राम मुकामी मसाइल पर तबसरा। नाज़रीन, जैसे कि आप लोग देख रहे थे कि मुल्क में मुसलसल लॉकडाउन चल रहा था, लेकिन आज लॉकडाउन ओपन हुआ है, जिसमें हमारी ग्राउंड रिपोर्ट में कई ऐसे लोगों से हम सवालात हुए, हमारे कई लोगों से बातचीत हुई, जैसा कि ऑटो ड्राइवर्स और कटिंग सलूनस वगैरह, उन लोगों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कराहट नज़र आई और उनके ख्यालात का भी हम तबसरे में हम उनका ख्यालात भी लिए। और उन लोग का कहना था कि लॉकडाउन के सबब कई उनको मुश्किलात का सामना था, लेकिन आज उनको राहत मिली और कुछ कारोबार में उनके अच्छा सा इजाफा हुआ। तो इसी के ख्यालात के लिए हमारे साथ मौजूद है असगर फरसोरी साहब। फरसोरी साहब, वी आर वेलकम टू सफ़ीर टीवी। हाय व्यूअर्स। फरसोरी साहब, जैसा कि आज लॉकडाउन के बाद लॉक ओपन कहा जा सकता है, तो इसमें आपके क्या ख्याल आते हैं? ओपन तो हुआ है, पब्लिक आवाम जो खुश है, जैसा ऐसा दिख रहा था कि चांद रात का मंजर दिख रहा था, जो पब्लिक रोड पे आई, ऑटो ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर और कई लोग जो घरों को अपने पाल के पैसे इस्तेमाल करते थे गरीबों के लिए, वो लोग खुश है। लेकिन चंद लोग जो नाराज है, जो छोटे कारोबार करने वाले, उनको भी मौका देना चाहिए। जैसा कि कैसे लोग? जैसा चप्पलों के कारोबार करने वाले है जी, सुने आप, और टोपियाँ बेचने वाले हैं, तस्बियाँ बेचने वाले हैं और कई चीज़ें करने वाले हैं, उनको भी मौका देना चाहिए लॉकडाउन खुलने से। हुकूमत एक तरफ तो कहती है कि हुकूमत लॉकडाउन में हैदराबाद कंटोनमेंट जोन में आया, लेकिन आज देखे हैं कि हैदराबाद में कई दुकान खुल चुके हैं और तकरीबन कपड़े के दुकान व्यापारियाँ बहुत कचरे से खोल दिए दुकान। अच्छा, इसके अलावा आप देख रहे हैं कि हज्जाम की दुकानों को भी इजाज़त दी गई और ऑटो ड्राइवर्स वगैरह, टैक्सी और फिर बसें भी चलेंगी। बसों का तो भी इन्होंने ऐलान नहीं करे हैदराबाद के लिए, दूसरे स्टेटों में बसें खोल दिया, लेकिन जो वो थे हज्जाम की दुकान जो खोले हैं दो महीने के बाद, जब आम को बहुत आसानी हो गई, हज्जाम की दुकान खोले, लेकिन इससे कहीं ये ना हो जाए कि शहर में कोरोना फैल जाए। जब आप नहीं खोले थे मुसलसल दो महीने के बाद, जो अचानक खोल लिए हैं जी, इससे क्या है? हज्जाम की दुकान खोले ठीक है, मतलब आपका कहना है कि खतरा इसमें भी खतरा लाहक है, मतलब इससे भी कुछ वबा फैलने के? उन्हें एक प्लेट में तीन जनों को बनाता, उसके पास कुछ भी नहीं रहता, दाढ़ी कुछ बनाता है, वस्त्रा वही इस्तेमाल करता, नया वस्त्रा तो नहीं लाएंगा उन्हें जी। अब पब्लिक वस्त्रा घर से लेके आके इसको देना कि हमको इससे बनाओ बोले तो वो मुनासिब होगा जी, या प्लेट खरीद के ले आना? नहीं नहीं, अब तो जैसा हमारी आज ग्राउंड रिपोर्ट थी, हज्जाम मोहन से भी हमारी बातचीत हुई, वो लोग का कहना है कि हम पूरी सेफ्टी के साथ काम कर रहे हैं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल, मास्क वगैरह और ग्लव्स वगैरह पूरी सहूलत के साथ, आने वालों को भी हमारे उनको भी जान का ख़तरा रहता आने वालों से, तो हम पूरी तरीके से सेफ्टी कर रहे हैं। सेफ्टी कर रहे हैं, फितगरी तो एक ही इस्तेमाल कर रहा है उन्हें जी, हर किसी को अलग अलग फितगरी में लाएंगे, दाढ़ी बनाए बाद पाउडर वही इस्तेमाल कर रहा, समझे आप जी, और क्रीम जो लगाता है वही इस्तेमाल कर रहा, कोई नया क्रीम तो नहीं लगा रहा, हर एक कोई क्रीम लगाया तो 300 रुपये मजदूरी होती जी, लिहाजा उन्हें एक ही क्रीम में पूरों को इस्तेमाल कर रहा, और खैसी एक ही से है, खैसी को उन्हें धोरा नहीं, खैसी को धोके इस्तेमाल करा अलग बात है, धोरा तो नहीं, किसी कोई खैसी से साफ कर ले रहा, इस्तेमाल कर ले रहा, खोले सही है, गरीबों का फायदा हो रहा सही है, अच्छा काम कर रही है। जब रमजान के मौके पर हर किसी की दाढ़ी भर गए थे, बाला भर गए थे, अच्छा काम हुआ, मतलब ईद के दिन एक हसीन चेहरे दिखने में नजर में आए, तो पूरे ऐसे दिख रहे थे कि पूरे जेलों से क्या कैदी बन के आए वो इस्तेमाल दिख रहा था, अब जरा इंसान बने हुए लोग। अच्छा, इससे पहले भी आपके तासुरात ख्यालात रहे कि पान का डब्बा भी, पान गुटखा वगैरह भी नशे की चीज़ में आती, मतलब शराब की इजाज़त के बाद आपके ख्यालात थे, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सफ़ीद न्यूज़ पर मैं इससे पहले एक इंटरव्यू दिया था कि होटला पान के डब्बे वगैरह ये खोलना चाहिए, लेकिन केसीआर साहब ने ऐलान किया है कि पान के डब्बे अभी तो ऐलान नहीं करे, जीएमसी के हवाले करे, होटलों के भी सेल सर्विस बोले मान लिए, हम सफ़ीद न्यूज़ के शुक्रगुजार हैं जो उन्होंने हमारी आवाज़ मिनिस्टरों तक, हुकूमत तक और संतर तक पहुँचाए, शुक्रिया, इसकी हम शुक्रिया अदा करते हैं, इस पर अमल हुआ थोड़ा बहुत, लेकिन शराब खोलने के बाद शहर में देखा जा रहा है कि कई मदरा हो जा रही,
शराब से पहले तो इतने कोरोना बीमारी नहीं निकले, 15-20 थे, शराब खुलने के बाद 40-42 पे आ गए। तो इसका एक सबब शराब भी हो सकता है, बोल रहे हैं शराब पी के निकल रही जी, घरों में जा रही, सिगरेट वगैरह पी ले रही, सो जा रही, सुबह में उन्हें बीमार हो जा रहा। तो ये फिर उसके बाद कुछ झगड़े भी, घरेलू झगड़े भी शराब के बाद काफी सुने में आए, वही कई झगड़े हो रहे हैं औरतों के, मार के निकल जा रहा, कहीं जाके जंगल में सो जा रहा, कहीं शहर में इधर जाके सो जा रहा, बीवी के अलग होकर जाके चले जा रहा, पैसे नहीं है उसके पास, दौलत नहीं है, 1500 रुपये से चेचिया साहब दिए, 1500 बीवी खर्चा कर दी, अब पैसे कहाँ चलाएंगे उन्हें। अब थोड़ा बहुत ये दुकाना खुलने से, आत्मा खुलने से थोड़ी मदद मिली जी, और पीने में इजाफा हो सकता। अच्छा, मतलब ये शराब और मजीद नुकसानदेह है आप इसके बाद, शराब के बाद से शराबी नुकसानदेह है, क्योंकि रमजान का महीना है, ये एक महीना इबादतों के लिए रोके थे आप, शराब को भी रोक देना था, जबकि इबादत को रोक दिया आप, घरों में कर लो बोले तो शराब को भी रोक सकते थे एक महीने के लिए। शराब कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं थी, जो खाने पीने की चीज़ नहीं थी, गिजा तो हर किसी को मिल रही थी, लेकिन शराब खोल के इससे क्या फ़ायदा हुआ आवाम को, सिवाय रोड पे हंगामे के सिवा कुछ नहीं मिल रहा। तो फिर हुआ किसको फ़ायदा अगर इसे? हुकूमत को फ़ायदा हुआ। अच्छा, जो बिल्डर है, जो ओनर है, जो पार्टनरशिप में है, उनको फ़ायदा हुआ जी। अच्छा, ये तो खैर शराब की बात, उसके अलावा भी अच्छे घरों में भी झगड़े सुने में आए आपस में, मियाँ बीवी में, इसके क्या वजूहत हो सकते? वो तो आपस के झगड़े तो होते ही रहते हैं, मगर उनके बारे में तो क्या बोल सकते हैं, मुसलसल घर में एक साथ रहने से छिड़छिड़ापन वगैरह ऐसा भी होता है। 2 महीने खाइज में रहे जी, अब उनको आराम नहीं मिला, आपको डर रहे हैं कोरोना कहाँ हो जाता कि क्या होता कि बोल के लोग डर रहे हैं, बीवी से मुलाकात नहीं कर सक रही नहीं आप, लिहाजा इसलिए तो मई में होती घर में। तो कुछ घरों में फिर छुपन छुपी दावतें भी हुई, उसका भी बीवियों पर जो असर पड़ा उसके लिए भी? अब दावतें तो कर लिए लोग, कई दावतें तो कर लिए, सालगिरह बोल के कर लिए, कोई एक जगह कहीं वाकया हुआ परसों, केक का थे जी, वो केक का थे सालगिरह का खाते बाद 40 आदमी कोरोना में आ गए जी, सालगिरह बोल के हुआ, केक खाते कोरोना बीमारी में आ गए 40 आदमी मलकपेट के इलाके में सर जी, मैं समझता हूँ मलकपेट इलाका है वो। अच्छा, ये जो कोरोना जो वबा है, इसके पीछे आप क्या, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, ये क्या कुदरती है या फिर किसी की बनाई हुई है? ये तो अमेरिका चीन वगैरह कुदरती है, ये तो ये आलमी सतह पे जो होते हुए आ रहा है, चाइना से आलमी सतह, ये अमेरिका में यहाँ होकर इधर चाइना में ये वो कर रहे हैं। कोरोना तो हुआ है सही है, मगर कोरोना की दवा आज तक हमको नहीं मालूम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, 14 दिन कोरोना में डाल के रख दे रहे हैं। अच्छा, बच रहा क्या इस्तेमाल कर रहा, क्या वजह से, मतलब किस तरह इलाज हो रहा, अभी तक कोई बात सामने नहीं आई, किसी को मालूम वाली भी नहीं है, खाली कोरोना बोल के 14 दिन रख दे रही, दवा क्या इस्तेमाल करे आज तक किसी को नहीं मालूम, वो बीमार को और किसी को रहने भी नहीं रहे, फैमिली को उन्हें अकेला अंदर है, उसको कोरोना बोल के 14 दिन रख रहे हैं, आकर हुकूमत इसको चाह रही क्या कि कोरोना बोल के क्या इस्तेमाल, क्या फंड इस्तेमाल करना चाह रही, जैसा कि अब 70 से 20 करोड़ का इन्होंने मुतालबा करे KCR साहब, अब 70 से तकरार इन्हों पैसों के बारे में जी सुनिए, और कई जने तो ऐसे बोलिए KCR साहब तो नहीं होना भी बोल दिए 20 लाख करोड़ की बजट, मगर जो रकम आती ये बेनो अखवानी अखबार मुश्ताक के बजट में से आती है जी, इन्हें फकीर के तहत फकीर बोल के बोल रहे हैं इसको पैसे को, तेलंगाना का फायदा है उससे, आप जो भी दिए ले ले, वापिस करना है ये मुतालबा करके इनको दे रहा थे कि पैसा वापिस करना है, पैसा देंगे तो उसका हिसाब बताना है, हिसाब तो हर किसी का बताना है जी, बगैर हिसाब के कौन देंगे बोलो, किस में खर्चा हुआ, किसको हुआ, क्या हुआ, आप तो चावल बार दिए बोले, फला बार दिए बोले, उसका कोई हिसाब नहीं है, कपड़े बार दिए बोले, अब फंड जो रमज़ान का था वो किसको इस्तेमाल कर रहे हैं, अब जो रमजान के कपड़े बढ़ते थे हर साल रमजान में कपड़े ईदी वगैरह के तौर पे कपड़े मस्जिद में भी कई, तो वो फन कहाँ गया करोड़ों रुपए का, जो रमजान में 1-1 लाख रुपए देते मस्जिदों को, इफ्तार पार्टी करते CM साहब, सुनिए तो खैर मस्जिदों में कुछ भी नहीं है, जबकि मस्जिदों में 4 आदमी को बोल रहे हैं आप, वो भी रखो बोल रहे मुसलमान, हम तरावी भी नहीं पढ़ते, नमाज भी नहीं पढ़ते, घर में कर लेते, ईद भी घर में करते, और क्या बोलना, हर चीज घर में करना चाह रहे हैं, नमाज भी घर में होने, घर में होने वाली है, आप रोड पे क्या करने वाले बोलो आप, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि हुकूमत खर्चा कर रही तो कहाँ पर कर रही, किस पे कर रही खर्चा, अगर वो तो बताना चाहिए ना संतर को, अब तो शराब के का भी फिर टैक्स जबरदस्त तरीके से उसकी अलग आमदनी हो गई दुनिया की आमदनी, हजाम के पास जाते हैं तो हम 100 रुपये देखे पूछते कितने ले रहा, 50 रुपये लिया 50 रुपये वापिस लेते हैं, हिसाब पूछते ना हम जी, ऐसी हिसाब बताना चाहिए, यह खर्चा इस पे हुआ इस पे, आप पॉलिसी कर बदल के आप पैसा मांग रहे हो, कोई भी नहीं था चले। तो फरशरी साहब, आपके क्या ख्याल है, तो हुकूमत किसकी चल रही, WHO की चल रही, ये जो कोरोना जो चल रहा वबा, अमेरिका और दूसरे जो ममालिक फॉरेन कंट्रीज़ है वो ठंडे मुकामत है, बल्कि हिंदुस्तान एक गर्म मुकाम है, और ख़ासतौर ये
महीनों में गर्म रहता, फिर वहाँ पर भी बीमारी, यहाँ पर भी। तो ये मई का महीना जो था तेलंगाना आंध्रा, तेलंगाना और आंध्रा में जी इतनी गर्मी रहती सदा की 54 के डिग्री रहती। ये गर्मी में कोरोना कहाँ से आएगा जी? आप कोरोना बोल के ये गर्मी में कोरोना कहाँ से आएगा? आप धूप के टाइम कुरंगू रोड पे आ जाओ बोले, शाम में ठंडे टाइम कर्फ्यू लगा दिया आप जी, कोरोना कहाँ से निकला? ये तो एक ड्रामा है। अच्छा, एक ड्रामा कर रहे हैं। अमेरिका में ख़त्म होगा, चाइना में ख़त्म होगा, उधर ख़त्म होगा, तेलंगाना में बरकरार है अभी तक। अब आगे और कितने होता कि क्या आएगी, जब अभी कारोबार खोल दिया आप, कहीं ऐसा ना हो जाए कि फिर कर्फ्यू लग जाए पूरा मुसलसिल, ये भी हो सकता जी। ज़्यादा बीमारियाँ निकल गए बोल के ये भी कर सकते सीएम साहब। जैसा कि इससे पहले आप बताए थे कि पूरे को बंद कर देंगे, मिलिट्री राज कर देना है थोड़े कुछ दिन के लिए। हो भाई, अभी ईद के सामने आप खोले, अभी ईद के सामने लोग घर में अपने फैमिली को बुला के शिरकमा बनाते, ये करते वो करते, अब इसके लिए आयन खरीफ खोल दिया आप ने, ईद के सामने खोले अच्छा करे, मगर शिरकमा में बीमारियाँ निकले बाब, ये बोलेंगे बहाना ले लेंगे कि कोरोना हो गया, फिर तेलंगाना में भी लगा देंगे, लगा देंगे। अच्छा, अब ईद की बात बताए, लेकिन लोग तो इतने परेशान है, मोहताज है, किस तरह लोग ईद मनाएंगे? आप देखिए, जब सीएम से तो कुछ मिलने वाला है नहीं, कई लोग ऐसे है हुकूमत को नहीं मालूम कि अपने घर बेच चुके हैं जी, घर बेच दिए, 2 महीने जो खैर में रहे घर बेच दिए। आप देखिए रजिस्टर ऑफिस में जाके कितने करोड़ का फायदा हुआ, कितने घर रजिस्टर हुए देखिए आप जी, ये घर जो गरीबों के भी नहीं मालूम हो रही, 2 महीने में घर दे दिए, बेच दिए, बाजू से फाइनेंस से पैसे ले लिए, घर उसके नाम पे कर दिए, पेपर डॉक्यूमेंट बना लिए, धन बोल के कल एक दिन में कितने करोड़ का फायदा हुआ रजिस्टर ऑफिस में जाके देखिए आप। अच्छा, ये घर बेचने की बात पे और एक बात याद आई फरशरी साहब, ये तो अपने जिसके थे उन्हें बेच लिए, लेकिन खाबिजीन का जो कब्जा भी अलग जमीनों पे चल रहा ये लॉकडाउन में। हो भाई, खाने पीने को नहीं था लोगों के पास जी, घर बेचे मानता हूँ मैं, खाने पीने को नहीं था, हुकूमत 1500 रुपये दी, 1500 में घर गरीब पर नहीं चलता, उसका एक 50 गज का भी घर है, 7 गज का भी घर है, वो बेचारा बेच दिया जी। अब उन्हें कहाँ जाएंगे रोड पे, हुकूमत देती बोले घर आज तक नहीं दिए जी, वो गरीब जाएंगे कहाँ? घर तो बोलेगा तुम ठीक है खाली करो बोलेगा, पैसा तो दे दिया उन्हें खर्चे में लगा लिया, अब मुसीबत किस पे आएंगी, वो गरीबों को कौन पूछने वाला है? और कैसे गरीब भी थे जिसके पास शादी वगैरह भी तय हो चुके थे, कई चीज़ों के भी ऐसे प्रोग्राम्स बना के रखे थे, उन लोग के लिए क्या ख्याल था आपके? उल्ला भी अपने जेवरात मारवाड़ियों पर रखा के अपना घर चलाए, किसी को मैसेज नहीं हुआ अंदर के अलावा, कई लोग ऐसे है जो ओपन आके नहीं बोल सके हम वो है, ये अपना पैसा ले लेके खामोशी में काम कर लिए, हुकूमत का फरीजा उनके पास गई ने कोई नुमाइंदा हुकूमत का जी। नहीं, मेरा एक सवाल आपको फिर से मैं दोहराना चाहूँगा, ये लॉकडाउन में कई ज़मीनों पे कब्जे भी हुए, उसके ज़िम्मेदार कौन है, क्या आपके क्या ख्याल है दोस्त? उसके ज़िम्मेदार हुकूमत है। कौन सी हुकूमत? मरकजी हुकूमत या तेलंगाना? तेलंगाना हुकूमत है, तेलंगाना हुकूमत में। नहीं तो हुकूम तो पूरा सेंट्रल से है ना, सेंटर से, मगर निगरानी इनकी है ना जी, स्टेट गवर्नमेंट की निगरानी है, सेंटर तो बोल रहा है कि ठीक है तुम कोरोना लगाओ, निगरानी करो, तय करो, मगर इन्हों आपस में तकरार रहे उनसे, तो सेंटर क्यों दखल देंगे इसमें? और गवर्नर के पास कई जने इसके खिलाफ बोल चुके हैं, गवर्नर के पास मनोनम दिए चुके हैं, ऐसा हालात हो रही है, और गवर्नर साहब भी अपने फैला रखे हैं, खामोशी अख्तियार किए हुए हैं, वो जब ये कोरोना जब ख़त्म होगा ये कैसा कहीं निकलेंगे, मिसाल के तौर पे अब यूपी के सीएम साहब, सीएम योगी साहब, योगी साहब सोनिया गांधी ने 1000 बस का आदर मांगे, आदर दे दिए उनको, बसों में सवार करा लिए, आगरे पे लाके रोक दिए, अब उन धंधे में बैठे बेचारे, जिसका कौन पूछने वाला है? ये संत ड्रामा कर ही नहीं कर रही, जबकि गरीबों को 5 पैसा लगा के बुलाई जी स्टेट में जी, उन्होंने आगरे के पास पर रोक के धरने पे बिठा दिए, हंगामा चल रहा है, इसके कौन जिम्मेदार है? मोदी है क्या? कांग्रेस है? मोदी हुकूमत जब हुकूमत सोनिया गांधी ने ऐलान किया कि मैं 1000 बसों का इंतजाम करो, अब बोल रहे हैं कि ऑटो के नंबर है, मोटरसाइकिल के नंबर है, ये क्या बात है? जबकि आप देखे हैं कि पूरे बसा आ गए, नंबर देख के ही बिठाएंगे पूरों को चेकिंग करके, वो लोग अपने शहर में आने नहीं दे रहे, आकर वजह क्या है जी? और देख रहे हैं आप, मतलब आप ये हुकूमत से ये कहना चाह रहे हैं कि अच्छे से कौम की अच्छे से अच्छा खिदमत करो, आवाम के अच्छे से अच्छे फैसले लो, आवाम के हक में अच्छे तरीके से मदद करो। फैसले लाने का मौका कहाँ है साहब? फैसला तो ना ऐसा कर रहे हैं, कल जो ऐलान कर रहे हैं एक अजीबो गरीब ऐलान कर रहे हैं, तेलंगाना में पूरा बसों को खोल दिए जी, हैदराबाद के लिए क्यों रोक दिए बसा? हैदराबाद में बसों की जरूरत नहीं है, हैदराबाद में आवाम नहीं रहती, हैदराबाद की आवाम को बसों की जरूरत नहीं है क्या? और बसा ऐसा खोले उन्होंने, इमलीबन बस डिपो में बसा नहीं आ रही जी, विजयवाड़ा की बस फला जगह रुक जा रही, सुने वो
निजामाबाद की बस जो आ रही फला जगह रुक जाए, सिकंदराबाद में कोई बस नहीं आ रही जी, उन बाजार पे रुके वहां से फिर सवारी लेके आना होना, सवारी डबल खर्चा, खर्चा फिर ऑटो का खर्चा, रिक्शे का खर्चा, भरी 5,000 का खर्चा पैदल आना पड़ेगा। अब पैदल आए तो कर्फ्यू लग गया था, अगर 6 बजे आया रस्ते जा रहा पैदल कर्फ्यू लगा था, कहाँ से आ रहे पुलिस पूछती, जुर्म करती, फिर पुलिस को जुर्माना भरना, फिर वापस जाने की परेशानी, कोई टाइमिंग नहीं है बसों के, आप बसा निकालो सुबह 5 बजे जी, कर्फ्यू के टाइमिंग में आते लोग 8 घंटे 6 घंटे में हैदराबाद पहुँच जाते जी, आप बसा रात में निकाल रही, वो बेचारा कहाँ से आएगा, मतलब मुश्किल का मुसलसिल मुश्किल का सामना, मुसीबत करी हर किसी को मुसीबत है इसमें, हुकूमत कोई सोच समझ के काम नहीं कर रही, केजरीवाल साहब कभी एक बोलते कभी एक बोलते, उनका कोई भरोसा नहीं है जी, संतर से दोस्ताना है, संतर से क्या है, दोनों का मिलावा भगत वो अल्लाह को ही मालूम जी, सुने इन्हों कुछ बोल रहे नहीं, इन्हों जो बोले संतर सुन रही थी, मगर संतर में इनखिलाफ़ ऐसा हो गया कि अब संतर के खिलाफ ही बोल रहे, फकीर बोल रहे उन्हों, मैं फकीर हो गया कहीं को लूँगा पैसे बोल रहे अब, आज तक लिए पैसे इलेक्शन में लिए, अच्छा इलेक्शन में उनका खास फायदा है उनके लिए बोलना चाह रहे हैं जो इलेक्शन में पैसा लिए जी, आले में बैंक से लिए, मोदी साहब पूरा पैसा अपना खर्चा कर लिए जी, खजारा हो गया था, अब जो फन आ रहा बाहर से उसको मेकअप कर रही, अभी एक 3-2 साल गुजर रहे वर्ल्ड बैंक से, वर्ल्ड बैंक से अभी 2 साल गुजर रही, अभी एक 3 साल है, 3 साल तक ऐसे चलाऊंगा बोल के सोच रही, उसके बाद खजाना खाली होगा कौन पूछने वाला है, इसको लंबा लेके जा रहे हैं कोरोना कोरोना बोल के, मतलब कोरोना जितना है ना उतना बताया जा रहा, ज़्यादा बताया जा रहा है जी, जबकि इंडिया के अंदर ज़्यादा नहीं है, अब तो कितने के नंबर पर आ गया वो जी, कोरोना बोल के इंडिया 11वें नंबर पर आ गया जी, 1 लाख के ऊपर भी चले गए इसके मरीज, मगर जो अफवाह में जो नंबर है 11वें नंबर पे बोल रहे हैं, आप 11वें नंबर पे लाके छोड़ दिए, और तीन जो महाराष्ट्र इलाका है, महाराष्ट्र में कसरत से बीमारियां निकल रहे बोल रहे हैं आप जी, जबकि महाराष्ट्र में ये सोचने की बात है, और ये एक सिर्फ एक सोच पैसा और फंड जमा करने के काम आ रहे हैं, गरीबों को कोई इमदाद नहीं मिल रही ना किसी को इमदाद मिल रही, मतलब ये बस एक गेम आपके हिसाब से, ये खाली एक गेम चल रही और गरीब लोग परेशान हो रहे हैं, गरीब लोग परेशान हो रहे हैं, इनके कुछ भी नहीं, और मिनिस्टरों को एमपीओ को अपना वो, और कोई इसके बारे में नहीं बोल रहा, कोई पार्टी सियासी पार्टियाँ इसके बारे में नहीं बोल रही, जो मेहनत कर रहा जो इन लोगों के लिए इमदाद देता बोल रहा उसको नको दे बोल रहे हैं, ये तो अजीब गरीब बात है, जो अपना पैसा लगा पार्टी फंड लगा के लोगों को शिफ्टिंग कर रही, चलो हम इन्होंने लगाए हम लगाते, तो इसमें भी आपस में लगा रही, कांग्रेस और बीजेपी दोनों लड़ रही, कांग्रेस वाले जो काम कर रहे हैं वो गलत काम है कि अच्छा काम है, बीजेपी नहीं कर सकती, तो उन्हें बोली सोना गांधी मैं देती हूँ पैसे जी, वो लोगों को ज्यादा जाना जाओ बोले, माइग्रेंट लेबर्स के लिए उनका जो ऐलान था, लेबर लेबर पैदा जा रहे हैं खाने पे बच्चों को लेके, गोदों में बच्चों को लेके, कोई पूछने वाला नहीं है सही, और राहुल गांधी साहब जब जाके बैठे, जब राहुल गांधी साहब जाके बैठे एक धन्य बैठे छिंदौरी साहब, जैसा कि सुने में आ रहा था ये जो कोरोना के झगड़े हैं चाइना और अमेरिका के, इसके तल्लुक आप क्या बताएंगे, ये धोरम करम साहब जो अमेरिका के सदर है जी, इन्हों चाइना का चाइना पे डाल रहे हैं कि ये चाइना करा बोल के, ये दोनों के आपस के झगड़े है, ये सारे आलम के मुल्कों को इन्होंने दो मिलके परेशान कर रहे हैं, ये झगड़ा क्या है, क्या है कोरोना, ये क्या नहीं, इसकी इंक्वायरी करें, इन्हें बोलता है इस पर केस बुक करो, इन्हें बोलता है इस पर केस बुक करो जी, मतलब ये दोनों के झगड़े में पूरी दुनिया पूरे पूरे आलमी मुल्क का पूरा परेशान हो रहा है इनके दोनों झगड़े में, अरे कोरोना है कहाँ आकर किसी को मालूम नहीं हो रहा, उसका ना इलाज मालूम हो रहा ना कुछ, सिर्फ कोरोना कोरोना बोल के पूरों को परेशान कर रहे, और जब कोरोना साहब हिंदुस्तान आए थे उन्हें जाने के बाद पूरी हिंदुस्तान में कोरोना शुरू हो गया, फिर ये था सफ़ेद टीवी का खसूसी प्रोग्राम मुकामी मसाइल पर अफसरा, हमारे साथ मौजूद थे जनाब सीनियर असगर फरसोरी साहब, नाज़रीन हमारे सफ़ेद टीवी को देखिए, लाइक करिए और शेयर करना ना भूले, शुक्रिया। आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।